सफेद क्रिस्टल से दिखने वाले ये पतले और छोटे दाने ही अजीनो मोटो कहे जाते हैं। अजीनो मोटो का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स खाने का स्वाद बढ़ाने वाली इस सीजनिंग को धीमा जहर मानते हैं। अजीनो मोटो का केमिकल नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसे MSG भी कहते हैं। भारत के साथ ही दुनिया भर के अधिकतर देशों में खाने में डाली जाने वाली सीजनिंग अजीनो मोटो को किचन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कई रेस्तरां ऐसे भी हैं जो अपने मेन्यू कार्ड में लिखते हैं कि हम अजीनो मोटो का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में उल्टी ही गंगा बह रही है। बांग्लादेश में अजीनो मोटो का हर घर में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, अजीनो मोटो कंपनी अपने इस प्रोडक्ट को सभी के लिए सेफ बता रही है। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी अजीनो मोटो के सेवन को सुरक्षित बताकर इसे खुले बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पर डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अजीनो मोटो एक धीमे जहर की तरह है, जिसे खाने में डालने से खाने का स्वाद तो बढ़ जाता है, पर यह किसी धीमे जहर की तरह काम करता है और खाने वाले को अपना आदि बना देता है। बांग्लादेश में अजीनो मोटो बेचने वाली कंपनी दावा कर रही है कि अजीनो मोटो पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरे बांग्लादेश में बाजार से लेकर हर घर तक इसे पहुंचा भी दिया गया है। पर अजीनो मोटो से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। अजीनो मोटो का सेवन नशे की लत की तरह होता है, जो आपको अपना आदी बना लेता है। अजीनो मोटो के सेवन से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। अजीनो मोटो का लगातार सेवन रेटिना पर बुरा प्रभाव डालता है। अजीनो मोटो के सेवन से थायराइड और कैंसर के लक्षण भी बढ़ते हैं। अजीनो मोटो से बांझपन, माइग्रेन और मोटापा भी आता है। अजीनो मोटो के अधिक सेवन से नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।